एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। विश्वामित्र के अतिथि हुए वशिष्ठ जी महाराज। जब विश्वामित्र के अतिथि वशिष्ठ हुए तो विश्वामित्र ने स्वागत में विदाई के समय 60,000 वर्ष अपनी तपस्या वशिष्ठ को अर्पण की। जैसे कोई विदाई होता है तो कोई भेंट दी जाती है, उस जमाने में तपस्या बहुत ऊंची चीज भेंट देते थे, रुपया पैसा या गिफ्ट पैकेट, ये ठगी के पैकेट नहीं थे उस समय। 60,000 वर्ष तप विश्वामित्र ने अर्पण किया वशिष्ठ जी के चरणों। समय पाकर वशिष्ठ जी के अतिथि हुए विश्वामित्र। विदाई के समय वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा एक क्षण सत्संग का पुण्य विश्वामित्र के स्वागत में विदाई में मैं अर्पण करता हूँ। विश्वामित्र रुष्ट हो गए। मैंने तो 60,000 वर्ष तप दिया था और आप मेरी मशकरी करने को सवा घड़ी के सत्संग का पुण्य अर्पित करते हैं, आप क्या समझते? आत्मरामी स्वरूप में विश्रांति पाए हुए समर्थ वशिष्ठ ने कहा कि मुनिवर, आपकी 60,000 वर्ष तपस्या कर्ता ने किया है, जीव ने किया है, और जहाँ परमात्मा में विश्रांति होती है वहाँ कर्ता बचता ही नहीं है। वो परमात्मा का सत्संग में तुमको सवा घड़ी का अर्पण कर रहा हूँ। बोले, वो क्या होता है? महाराज, आप और हम दोनों भिड़ जाए ये शोभा नहीं देता है, अपने से श्रेष्ठ से फैसला करा ले। दोनों समर्थ पुरुष थे, अपने योग सामर्थ्य से ब्रह्मा जी के पास गए। विश्वामित्र ने कहा, मैंने 60,000 वर्ष तप का फल दिया और मुझे सवा घड़ी सत्संग का पुण्य देकर विदाय कर रहे, मेरी मजाक है कि नहीं, मेरा अपमान है कि नहीं? आप फैसला करो, 60,000 वर्ष तप बढ़ा कि सवा घड़ी सत्संग, आत्मस्वरूप में विश्रांति पड़ी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनको अगर बोलूंगा तो ये जरा राजसी वृत्ति के हैं, चिढ़ जाएंगे, मेरा फैसला उनको जचेगा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो जरा खफा हूँ सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में, आप भगवान नारायण के पास चले जाओ। दोनों ऋषि नारायण के पास आए। भगवान नारायण ने कहा, देखो, मैं दैत्यों और दानवों के फैसले में खटपट में बार बार अवतार लेता हूँ, इसलिए कभी कभार दैत्य ज़्यादा पुष्ट होंगे तो प्रजा तकलीफ में पड़ेगी, तो मुझे देवताओं का पक्ष लेने के लिए कभी पक्षपात करना पड़ता है, तो मेरा चित्त तुम्हारे जैसे महापुरुषों के तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा उसका फैसला करने में अभी सक्षम नहीं है। इस कथा से पता चलता है कि जो आपकी बात माने नहीं उनको आप अपना जजमेंट अपना फैसला मत दिया करो। नारायण भगवान ने उन दोनों को शेष के तरफ प्रेरणा दी। दोनों शेष देव के पास आए। नेति 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 करके जो शेष बच जाए, परलय भी जिसे दबा न सके, उस शेष पर ही सारी पृथ्वी का भार टिका है। लेकिन आम लोगों को समझाने के लिए शेष नाग सारी पृथ्वी का भार लिए बैठे। शेष नाग ये पंच फनों या हजार फन वाला कोई जीव सारी पृथ्वी का भार लिए हुए है, ये अलंकारिक भाषा है। शेष मतलब नेति नेति ये नहीं, ये नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिया नहीं, कुछ नहीं, ब्रह्मलोक नहीं, सतलोक नहीं, अतल नहीं, वितल नहीं, तलातल नहीं, रसातल नहीं, पातल नहीं, कुछ नहीं रहता,
कुछ नहीं रहता, फिर भी जो रहता है वह शेष, फिर चाहे वो आकृति ऐसी लेकर पृथ्वी को टिकाए रखे, उसकी मौज की बात है। टचली उंगली पर गोवर्धन उठा दे, उस शेष सत्ता के आगे कोई असंभव नहीं। दोनों शेष देव के पास गए। शेष देव ने कहा, पृथ्वी को थामे हुए वर्ष बीत गए, आपका विचार निर्णय करने के लिए थोड़ा मुझे विश्रांति चाहिए, आप अपने तपोबल से धरती को रोक दीजिए तो मैं जरा फ्री हो जाऊं, मैं जरा निश्चिंत हो जाऊं, निर्भर हो जाऊं। विश्वामित्र ने कहा, हे वसुंधरे, मेरे 60,000 वर्ष तपस्या के बल से तू टिक जा। शेष जी को कहा, आप सिर हटा दीजिए। शेष जूं ही हटे तो तप की ताकत नहीं थी, वो पृथ्वी को थामे बोले, गई गई गई। विश्वामित्र का तप नन्हा लगा। जब वशिष्ठ महाराज को कहा गया तो वशिष्ठ ने कहा कि हे वसुंधरे, शेष देव अभी ये शेष की आकृति में, शेष नाग की आकृति में, वरना तो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त देव है। ऐसे मकान बन जाते, बिगड़ जाते, नदियां नाले बदल जाते, लेकिन आकाश शेष रहता है। लेकिन आकाश भी गायब हो जाए, फिर भी जो शेष रहता है सर्वव्यापक, हम उसी परमात्मा में सवा घड़ी जो विश्रांति पाए, उसका पुण्य के बल से हे वसुंधरे मैया टिक जाना। धरती टिक गए, विश्वामित्र को उत्तर मिल गया। मैं चाहता हूं कि आज आपको क्या आशीर्वाद दूं अथवा क्या शुभकामना करूं। मैं तो कहता हूं कि वशिष्ठ महाराज जहां टिके हैं आप वहां पहुंचो, आपका धन धान्य पुत्र परिवार सुखी रहे, आप मौज में रहो। ये मुझे आशीर्वाद बहुत छोटे लगते हैं, बहुत छोटे। मैं तो ऐसा चाहता हूँ आपके लिए कि जहाँ ब्रह्मदेव, जहाँ भगवान विष्णु, जहाँ भगवान कृष्ण, जहाँ भगवान शंभ सदाशिव, जहाँ भगवान में जगे महापुरुष, उस शेष सत्ता में विश्रांति पाते हैं, उनके दीदार से लोगों के पाप मिटते हैं, आप भी उस परमेश्वर में रोज विश्रांति पाओ। और ये दृढ़ भावना करो कि मेरे प्रभु अपने हैं, मेरे परम सुहृद हो, और आप जो भी करते मेरे भलाई के लिए करते। मैं नाहक रंज और चिंता से फंसा था, आप जो भी कुछ करेंगे पानी मात्र के परम सुहृद होने प्रभु, अब मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला है, वो अभी आपकी कृपा से, आपके प्यारे संतों के द्वारा ही चला है। कभी कभार अमंगल दिखता हुआ है, लेकिन उसके पीछे भी मंगल छुपा होता है। देव, आज का मंगल प्रभाव, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको दुलार करते हैं, हम आपकी शरण लेते हैं प्रभो देव। नारायण हरि कृष्णा गोविंदा गुरु, जो भी तुम्हारे नाम, हमारी भावना से आते तुम ही तो हो, सब नामों के आधार, सभी रूपों के आधार। हे परमेश्वराय नमः, श्री परमात्मने नमः, जगत उद्धारकाय नमः, विश्वरूपाय नमः।